सर्वशक्ति विद्या मंदिर की प्रिंसिपल निशा सिंह ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। निशा सिंह, मैं प्रिंसिपल हूँ सर्वशक्ति विद्या मंदिर अतमानपुर फरीदाबाद। मैडम, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। सर, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हमें सभी को अवेयर करना पड़ेगा, खुद को भी और पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी और सोसाइटी को भी। मैडम, नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? सर, तीनों ही मेरे उससे तीनों ही जिम्मेवार हैं। फर्स्टली अभिभावक और सेकेंडली अध्यापक और फिर हमारा समाज। मैडम, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा को सर पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। किस क्लास से? सर, छोटे प्राइमरी सेक्शन को तो करने का कोई वो नहीं है, बट एट स्टैंडर्ड से मैं समझती हूँ कि करना चाहिए। मैडम, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? सर, सहमत तो मैं हूँ, बट ये भी नहीं है कि व्यवसाय बना दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि क्या नाम है, गवर्नमेंट स्कूल, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है ट्रेनिंग पीरियड में भी कि गवर्नमेंट स्कूल के क्या हाल हैं और प्राइवेट स्कूल्स के क्या हाल हैं।